धन्यवाद भैया। तो अभी तक जो बात हुई है, मैं एक बार उस बात को रिकैप कर देता हूँ, फिर हम लोग प्रकृति की व्यवस्था पे बात करेंगे। तो अगर मानव की मूलभूत चाहना को देखें, तो मानव की जो चाहना है, जो बेसिक डिज़ायर है, वो कॉन्टिन्यूअस हैप्पीनेस और प्रॉस्पर्टी, निरंतरता में सुख और समृद्धि। इसके लिए जो कार्यक्रम है, उस कार्यक्रम के आधार पे मानव के जीने का जो फैलाव है चारों स्तर पे, है तो मानव स्वयं में जीता है, फिर उससे बड़ी व्यवस्था परिवार व्यवस्था में जीता है, फिर उससे बड़ी व्यवस्था समाज में जीता है, और फिर उससे बड़ी व्यवस्था नेचर और एग्जिस्टेंस के लेवल पे जीता है। तो जिन स्तरों पे मानव के जीने का फैलाव है, उन सभी की एक इनेट हार्मनी बनी हुई है, एक व्यवस्था बनी हुई है। तो अभी तक हम लोगों ने समाज की व्यवस्था तक में बात की, है तो अगर मानव की व्यवस्था की बात करें, तो मानव मैं और शरीर का सहअस्तित्व है। फिर भाव के स्तर पे अगर बात करें परिवार में, तो मैं के स्तर पे इन भावों के परस्पर निर्वहन से, है ना, ये जो म्यूचुअल हैप्पीनेस है, ये जो उभय सुख है, उसकी प्राप्ति होती है। तो फिर परिवार स्तर पे भावों की बात हुई, विश्वास से लेके प्रेम तक, और जो प्रेम का भाव है वो सभी से संबंध को देख पाना, यही प्रेम है, और इसी से सोसाइटी के लिए, समाज के लिए एक आधार बनता है, जिसको हम लोग न्याय के रूप में, इसमें प्रस्ताव के रूप में हमने सुना। फिर समाज के स्तर पे चारों स्तरों पे जो हमारे गोल हैं, ना, जो लक्ष्य हैं, तो हर मानव में सुख समृद्धि इंश्योर होनी चाहिए, है ना, परिवार में समृद्धि इंश्योर होनी चाहिए, समाज में लक्ष्य के रूप में ट्रस्ट और अभय दिखता है, और प्रकृति में सहअस्तित्व तो बना रहना चाहिए। तो अभी तक हम लोगों की जो बात हुई है, वो इन तीनों स्तर के जो व्यवस्था है उसके बारे में बात हुई है। अब प्रकृति में व्यवस्था, तो अब प्रकृति का मतलब है कि इंक्लूडिंग रेस्ट ऑफ नेचर, यानी शेष प्रकृति को ऐड करके अब हम बात करें, क्योंकि अभी समाज तक जो हमने बात की वो सिर्फ मानव के रेफरेंस में। समाज के बाद जब प्रकृति आएगी, तो जो शेष अवस्थाएं हैं, ना, एक जड़ अवस्था, आपका मटेरियल ऑर्डर है, प्राणिक ऑर्डर है, और एनिमल ऑर्डर है, इनको इंक्लूड करके पूरे प्रकृति में क्या व्यवस्था है, उसके बारे में हम लोग बातचीत करेंगे। तो प्रकृति की चार अवस्थाओं में परस्पर पूरकता, है ना, तो जो चारों अवस्थाएं हैं उनका आपस में जो म्यूचुअल फुलफिलमेंट है, उसके बारे में बात। तो अगर हम प्रकृति की बात करें, तो ये सब बातें, तो अगर प्रकृति को हम देखें, तो प्रकृति इकाइयों का समूह, कलेक्शन ऑफ यूनिट। तो आपको प्रकृति में हवा, पानी, मिट्टी, ये मटेरियल ऑर्डर के रूप में दिखेंगे। पेड़ पौधे, मानव शरीर, पशु शरीर, ये आपको प्राणावस्था की इकाई के रूप में दिखेंगे, है ना। उसके बाद पशु, पक्षी, ये एनिमल ऑर्डर यानी जीवावस्था की इकाई में दिखेंगे, और ये जो मानव है स्वयं के साथ, ये हमारी ज्ञान अवस्था की इकाई है, मानव का ऑर्डर है, ह्यूमन ऑर्डर है। तो पूरे प्रकृति को देखेंगे तो इन सब का समूह है, इन सब का कलेक्शन है। अगर देखें तो पूरे प्रकृति को इन चार अवस्थाओं में बांटा गया है। तो पहली अवस्था है फिजिकल ऑर्डर, जिसमें सॉयल, मेटल, ये सब आते हैं। दूसरी अवस्था है बायो ऑर्डर, प्राण अवस्था की इकाई, जिसमें पेड़ पौधे और मानव शरीर, पशु शरीर आता है। फिर है एनिमल ऑर्डर, जिसमें पशु पक्षी आते हैं, और फिर ह्यूमन ऑर्डर है, जिसमें आपका मानव आता है। तो ये चार ऑर्डर में पूरे प्रकृति की एक एक इकाई को हम बांट सकते हैं, अगर प्रस्ताव रूप में इस बात को देखें तो। अगर पूरे प्रकृति के बीच आप देखेंगे, तो जैसे अगर सिर्फ हम पदार्थ अवस्था और प्राण अवस्था की बात करें, तो पदार्थ अवस्था और प्राण अवस्था के बीच ये जो म्यूचुअल फुलफिलमेंट है, परस्पर पूरकता है, ये बना हुआ है। तो आप देखेंगे एक पेड़ है जो जमीन से अपने लिए जरूरी पोषक तत्व लेता है,
और इससे उस पेड़ की ग्रोथ होती है। उस पेड़ की ग्रोथ के साथ जैसे जैसे वो पेड़ डिग्रेड होता है, उसके पत्ते गिरते हैं, तो वो वापस सॉयल में मिल जाते हैं और सॉयल को एनरिच करते हैं, है ना। तो अगर इन दोनों ऑर्डर्स में आप देखेंगे तो पदार्थ अवस्था और प्राण अवस्था के बीच परस्पर पूरकता बनी हुई है। किस अर्थ में? ये साइक्लिक प्रोसेस है, तो ये चलता रहता है ना। तो पेड़ का बीज लगा, जमीन के अर्थ में वो पोषित हुआ, पोषित होके अपनी उम्र तक गया, फिर वो सूख गया, सूखने के बाद वापस मिट्टी में मिल गया, मिट्टी के पोषक तत्व को बढ़ाया, है ना। तो ये आपको पूरे प्रकृति में दिखेगा, और ये दिखेगा कि जितनी भी इकाइयां हैं, चाहे वो पदार्थ अवस्था की या प्राण अवस्था की, इन सभी इकाइयों के बीच ये परस्पर पूरकता बनी हुई है, और हर इकाई अपने में समृद्ध है, यानी उसके लिए कोई अभाव नहीं है ना। तो वो एक दूसरे पे आश्रित भी हैं, एक दूसरे से चीजों को ले भी रही हैं, दे भी रही हैं, दोनों ही कार्यक्रम चल रहा है, और उसके आधार पे हर एक समृद्ध है। अगर आगे बढ़ेंगे तो अगर जीवावस्था के साथ पशु पक्षी, प्राण अवस्था और पदार्थ अवस्था, तो इन तीनों में भी आपको म्यूचुअल फुलफिलमेंट दिखेगा। ये सब एक दूसरे से आश्रित हैं, इनका आपस में संबंध है, उस संबंध का ये निर्वहन करते हैं, और सभी एक दूसरे के लिए पूरकता का काम करते ना। तो जैसे पशु पक्षी हैं, वो जो भी घास है या इस तरह की चीजें हैं, जैसे ग्रेजिंग की अगर हम बात करें, है ना, तो ग्रेजिंग का मतलब क्या है कि जानवर जब खेतों में चरते हैं तो उनके चरने से मुंह से जो उनके लिक्विड निकलता है उससे जमीन की जो फर्टिलिटी है वो बढ़ती है। अब जमीन की फर्टिलिटी बढ़ती है तो वो और बेटर जो जमीन के अंदर पैदा होता है उन चीजों को ज्यादा न्यूट्रिशन के साथ पैदा करती है, और फिर इनके लिए ये पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो जाता है। जानवरों का एक्सक्रीटा देखेंगे तो वो एक अलग तरह का जमीन के लिए काम करता है ना। पेड़ पौधों को देखेंगे तो उनके बढ़ने में ग्रोथ के लिए काम आता है। तो अगर आप ये देखेंगे तो पूरे प्रकृति में ये जो तीनों ऑर्डर हैं, ये आपस में एक दूसरे के साथ संबंधित हैं, संबंध को पहचान रहे हैं, संबंध का निर्वाह कर रहे हैं, और उस निर्वहन के फलस्वरूप ये तीनों ऑर्डर हमको निश्चित अवस्था में देखते हैं, है ना। अगर इसमें मानव के रोल को देखें, परस्पर पूरकता के संबंध में अगर हम मानव के रोल को देखें, तो अभी हमने देखा पीछे कि तीनों ऑर्डर्स के बीच जो है परस्पर निर्वहन का जो संबंध है, उस संबंध को पहचान भी रहे हैं और संबंध का निर्वाह भी हो रहा है, और इससे तीनों ऑर्डर की इकाइयां आपस में समृद्ध हैं, उनके लिए कहीं कोई समस्या नहीं। लेकिन जैसे ही मानव आता है तो पदार्थ अवस्था, प्राण अवस्था और जीव अवस्था और ज्ञान अवस्था के लिए समृद्धि कारक है, यानी हमारे लिए ये तीनों ऑर्डर हमारी समृद्धि को बढ़ाने में कार्य करते हैं। लेकिन हमारे साथ क्या समस्या है? क्योंकि ज्ञान की प्राथमिकता हमारे लिए आवश्यक है। अगर ये सही समझ के अभाव में हम ले तो ले रहे हैं तीनों इकाइयों से, है ना, पूरी प्रकृति के साथ जो रेस्ट ऑफ नेचर है, शेष प्रकृति है, उसके साथ चीजों को उपयोग के लिए हम अपने यूज तो कर रहे हैं, लेकिन हम पूरक नहीं हो पा रहे हैं, यानी उनके लिए कुछ कर नहीं पा रहे हैं। क्या ऐसा हो रहा है ना? तो क्या ये बात बिल्कुल ठीक है कि ये जो ज्ञान अवस्था का मानव है, ये बाकी ऑर्डर से, है ना, अपनी आवश्यकता अनुसार चीजों को ले रहा है, लेकिन बाकी ऑर्डर्स को, है ना, वो वापस जो देने की बात है, क्या वो हो पा रहा है? या इन तीनों ऑर्डर्स में जो इनडेफिनेटनेस हमको दिख रही है, उसका कारण कौन है? दिल साथ दिया, एक प्रश्न ले सकते हैं इस समय। जी भैया जी, प्रश्न लेके चल सकते। जी प्रशांत जी, बताइए। थैंक यू, सभी को नमस्कार। जी वास्तव में अपन ही जिम्मेदार हैं इसके, कहीं ना कहीं मानव ही डिसऑर्डर कर रहा है सभी चीजों को। जी बिल्कुल और इन ठीक तीनों में तो व्यवस्था बनी हुई है प्रकृति
प्राण में भी, पदार्थ में भी, जीव में, आपस में व्यवस्थाएं बनाकर चल रहे हैं, लेकिन अपुन जो उनको देना चाहिए वो नहीं दे पा रहे हैं कहीं ना कहीं। जी, और वो इसलिए नहीं दे पा रहे हैं क्योंकि मानव के लिए सही समझ आवश्यक है, कंपलसरी है। बिना बिल्कुल सर, सही समझ के, बिना इस पूरी व्यवस्था को समझे हुए, है ना, मानव उस समझ के अभाव में अपने लिए भी जो तय करने जा रहा है वो भी पूर्ण नहीं हो रहा है, और इन इकाइयों के साथ जो परस्पर निर्वहन में कर रहा है वो भी पूर्ण नहीं हो पा रहा है ना। तो मानव में सह स्वीकृति भी पूरकता के लिए ही है। अगर हम ये देखें तो जो हमारे में नेचुरल एक्सेप्टेंस है ना, वो पूरकता के लिए है। तो अगर हम अपनी नेचुरल एक्सेप्टेंस को एक्सप्लोर कर पाए तो हमको समझ में आए कि भाई पूरा अस्तित्व मानव के अलावा एक निश्चित अवस्था में चल रहा है। लेकिन मानव के लिए क्या है, ये जो अवस्थाएं हैं इन अवस्थाओं के बारे में, यानी जो एग्जिस्टेंशियल रियलिटी है उसको समझ के मानव इनके साथ कॉम्प्लीमेंट हो सकता है। इसीलिए प्रॉब्लम मानव नहीं है, प्रॉब्लम मानव में जो सही समझ नहीं हो पा रही है, उसका प्रपोजल नहीं मिल पा रहा है, उसके लिए प्रयास नहीं हो पा रहा है, प्रॉब्लम ये है। जी भैया, बिल्कुल सहज स्वीकृति नहीं है। सहज मतलब जो मानव की होना चाहिए प्रकृति के लिए, प्राण के लिए या पदार्थ के लिए, वो कहीं नहीं नहीं नजर आ रही हमको। नहीं कहीं नहीं नजर आ रही ऐसा नहीं कहेंगे, लेकिन अभाव जो समस्याएं दिख रही हैं जितनी भी, है ना, उतनी समस्याओं के लिए तो जिम्मेदारी यही कि कारण तो यही दिखता है कि कहीं ना कहीं मानव को इस बात की स्पष्टता नहीं है कि बाकी ऑर्डर का भी एग्जिस्टेंस हमारे लिए है ना। बाकी ऑर्डर का जो अस्तित्व है वो हमारे लिए है, ये बात ठीक है, लेकिन उनकी व्यवस्था को समझ के, उनके डेफिनेटनेस को समझ के, उनके साथ ठीक ठीक कार्यक्रम बना के हम इसको कर सकते हैं। तो समझ अगर हमारी डेवलप हो जाए तो उसके आधार पे ये चीजें हो सकती हैं। ठीक है भैया, धन्यवाद। थैंक यू। तो आगे अगर इस बात को आप देखिए तो प्रॉब्लम यही है कि मानव के लिए सही समझ आवश्यक है, अपनी सहज स्वीकृति को समझना जरूरी है। इसके अभाव में मानव इन तीनों ऑर्डर के लिए कॉम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहा है। और ऐसा नहीं है कि वो कॉम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहा है तो सिर्फ ये तीनों ऑर्डर ही प्रभावित हो रहे हैं, है ना, प्रभावित मानव भी हो रहा है और सबसे ज्यादा, है ना। तो ठीक है, तो अगर देखें तो मानव के लिए सहज स्वीकृति आवश्यक। तो एक बार मानव अगर ये समझ जाए, है ना, कि मेरी भी इस अस्तित्व में एक निश्चित भागीदारी है ना, जैसे पदार्थ अवस्था का एक पार्टिसिपेशन है ना, तो सूर्य का, हवा का, पानी का, सबका एक पार्टिसिपेशन है इस एग्जिस्टेंस में, पेड़ पौधों का एक पार्टिसिपेशन है, पशु पक्षी का एक पार्टिसिपेशन है। तो अगर मानव भी इस पार्टिसिपेशन को ठीक ठीक समझ जाए तो वो चारों अवस्थाओं के लिए पूरक हो सकता है। तो ऐसा नहीं है शेष प्रकृति के साथ ही समस्या है मानव के समझ के अभाव में, मानव मानव में भी बहुत सारी समस्याएं है ना। तो उन समस्याओं के निदान के लिए मानव का समझना बहुत जरूरी है, और ये मानव के लिए प्राइमरी रिक्वायरमेंट है ना। तो अगर मानव समझ जाए तो इस बात को बाकी तीनों ऑर्डर्स के साथ और स्वयं मानव के साथ वो कॉम्प्लीमेंट हो, तो पूरे प्रकृति में एक निश्चितता बन, है ना। ठीक है, तो यही बात है। तो अगर मानव समझ जाए तो समझने के आधार पे, है ना, ये टिक हो जाएगा। यहाँ जो क्वेश्चन मार्क्स था, यानी मानव प्रकृति से चीजों को अपनी आवश्यकता अनुसार ग्रहण भी करेगा, और जो भी सिस्टम मानव का बनेगा उसमें इस प्रकृति का भी एनरिचमेंट हो, है ना। तो लीनियर प्रोसेस नहीं होगा कि हम प्रकृति से ले रहे हैं, जैसे बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, बहुत सारा वातावरण की प्रॉब्लम्स हैं, अगर इन सबको आप देखेंगे तो ये सारी समस्याएं इसीलिए हैं क्योंकि इस जो बाकी ऑर्डर्स हैं उन ऑर्डर्स की डेफिनेटनेस को बिना समझे हुए मानव सिर्फ अपने लिए चीजों को डेवलप करने का प्रयास कर, जबकि प्रकृति में परस्पर पूरकता बनी हुई है। और आप मानव को देखेंगे ना कि डिपेंडेंसी इन तीनों अवस्थाओं पर बहुत ज्यादा है,
जो मानव की ना, तो मानव की जो डिपेंडेंसी है ना वो इन तीनों अवस्थाओं में ज्यादा है। तो जैसे समय मैं एक प्रश्न करना चाह रहा हूँ कि अगर आप लोग चैट बॉक्स में इसका रिस्पांस कर सकते हैं, क्या लगता है अगर कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो सबसे पहले किसके एग्जिस्टेंस में प्रॉब्लम आएगी, मानव के या बाकी तीनों ऑर्डर के, है ना? क्या लगता है ना? तो मुझे पूरा रिस्पांस दिख रहा है, आप सभी लोग रिस्पांस कर रहे हैं, तो आप देखेंगे ना तो ह्यूमन बीइंग के एग्जिस्टेंस में सबसे पहले प्रॉब्लम आएगी। क्यों? क्योंकि ह्यूमन बीइंग की डिपेंडेंसी बाकी तीनों ऑर्डर पे है ना? तो अगर तीनों ऑर्डर में से कोई भी ऑर्डर प्रभावित होगा तो मानव सबसे पहले प्रभावित हो, है ना? तो जैसे एग्जांपल आप कोरोना वायरस का ही ले लीजिए, है ना? तो चाइना की घटना है भाई, वायरस तो वहीं से शुरू हुआ, लेकिन पूरा विश्व, पूरा ग्लोब प्रभावित हो गया। और कौन प्रभावित हुआ? क्या बाकी तीनों ऑर्डर प्रभावित हुए या सिर्फ मानव प्रभावित हुआ, है ना? तो हमको ये समझना पड़ेगा कि मानव के लिए, परस्पर पूरकता के लिए उसका समझना, ये प्राइमरी रिक्वायरमेंट है। और किसको समझना है? तो अपनी सहज स्वीकृति को समझना, ठीक है? हम लोग आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। तो अगर हम देखें कि चारों अवस्थाओं के बीच ये जो परस्पर पूरकता है इसका रिफ्लेक्शन क्या है, तो इसको समझते हैं। तो अगर आप पदार्थ अवस्था को देखेंगे तो पदार्थ अवस्था के अंदर रिकग्नाइजिंग और फुलफिलिंग है ना? तो कोई भी पदार्थ अवस्था की इकाई को आप देखेंगे तो उसके अंदर पहचानना है और निर्वाह करना है ना? तो फॉर एग्जाम्पल जैसे आप देखेंगे तो जैसे एक बिल्डिंग बनती है तो उसमें ईंट है और सीमेंट है ना? तो ईंट और सीमेंट के बीच पहचानना, निर्वाह करने का मतलब इतना है कि एक पर्टिकुलर रेशियो में अगर हम सीमेंट ले लें और बालू ले लें और ईंट के साथ उसको मिक्सअप कर दें तो उसकी जो स्ट्रेंथ है वो बन जाती है। अब ये बिल्कुल निश्चित है क्योंकि उस रेशियो में आप जहां कहीं भी इसको यूज करेंगे वो स्ट्रेंथ उसमें आएगी, है ना? तो अगर आप देखेंगे तो जैसे पानी और मिट्टी का संबंध है ना, तो आप देखेंगे तो जो भी पदार्थ अवस्था की इकाई है ना, जैसे लोहा है और पानी है, उसका संबंध अगर आप देखेंगे तो फिक्स है ना? तो लोहे को अगर आप पानी में रख देंगे तो लोहा आपका जंग लग जाएगा लोहे के अंदर, है ना? और लोहा खराब हो जाएगा। लेकिन अगर आप उसी को पेंट कर देंगे तो उसकी लाइफ बढ़ जाएगी। अब ये पहचानना, निर्वाह करना पदार्थ अवस्था में निश्चितता को इंडिकेट करता है ना? तो किसी भी पदार्थ अवस्था की इकाई को आप देखेंगे तो उसके अंदर पहचानना और निर्वाह करना, यानी वो परस्परता में संबंध को पहचानता है और निर्वाह करता है। अगर प्राण अवस्था की इकाई को देखेंगे तो इसके अंदर भी पहचानना और निर्वाह करता है। तो जैसे पानी से हर पेड़ पौधा अपने संबंध को पहचानता है ना? तो आप अगर पानी देंगे किसी भी पेड़ पौधे को तो वो पोषित होगा, उसकी ग्रोथ होगी, है ना? अगर सूर्य की रोशनी प्राण अवस्था की इकाई के लिए आवश्यक है तो सूर्य की रोशनी में फोटोसिंथेसिस की क्रिया से वो ग्रो करेगा। तो अगर प्राण अवस्था की इकाई को भी देखेंगे तो उसके में भी पहचानना, निर्वाह करना है ना? आते हैं जीव अवस्था की इकाई। अगर जीव अवस्था की इकाई को आप देखेंगे ना तो उसके अंदर मानना, पहचानना और निर्वाह करना तीनों है। यानी जीव अवस्था की इकाई में जो पहचानना और निर्वाह करना है वो मानने पे आधारित है। तो जीव जैसा मानेगा वैसा पहचानना और निर्वाह करना करे ना? तो फॉर एग्जाम्पल अगर कोई ऐसा जीव है जो शाकाहार से अपना जीवन चला रहा है ना, तो उसका मानना ये है। तो जैसे गाय को आप देखेंगे तो गाय अपने शरीर के आधार पे इसका मानना होता है, तो गाय का जो शरीर है उस आधार पे उसका मानना है। तो अपने शरीर को बनाए रखने के लिए है ना वो सारे काम करेगी। तो जब उसको भूख लगेगी तो उसके लिए वो इंडिकेशन देगी, उस इंडिकेशन के आधार पे भोजन मिलेगा। अगर उसको भोजन मिल गया वो रिलैक्स हो जाता
तो किसी भी जानवर का आप देखेंगे जो पहचानना और निर्वाह करना है वो ज्यादातर मानने पे है, इसीलिए हम जानवर को ट्रेनिंग दे सकते हैं, है ना। कैसे ट्रेनिंग दे सकते हैं, जैसे कुत्ते को आप देखेंगे तो वो अपने मालिक के प्रति वफादार, लेकिन उसको ये नहीं पता है उसका मालिक अगर आतंकवादी है तब भी उसके प्रति वफादार रहेगा, अगर उसका मालिक कोई पुलिसमैन है तब भी वफादार रहेगा, है ना। उसको इस बात की स्पष्टता नहीं है कि ये व्यक्ति समाज के लिए बेकार है या ये व्यक्ति समाज के लिए गड़बड़ है ना। जिसको उसने अपने लिए ठीक मान रखा है, अपने शरीर को चलाने के लिए जो आवश्यक सुविधा उसको प्रदान करता है, उसके प्रति वो अपनी लॉयल्टी शो करता है। तो आप जीव अवस्था के लिए देखेंगे ना, तो मानना और पहचानना, निर्वाह करना, है ना, ये उसका परस्पर पूरकता के अर्थ में एक तरह से कैरेक्टरिस्टिक है, ठीक है। अब आते हैं ह्यूमन ऑर्डर, और जीव अवस्था में जो भी जीव है ये मैं और शरीर के सहअस्तित्व के रूप में है, और इस मैं में ये मानना है ना। तो इसीलिए इस मानने के आधार पे अपने शरीर का ये निर्वाह कर, और आप जीव चेतना में देखेंगे तो हर जीव अपने शरीर को चलाने भर की जो एबिलिटी है वो रखता है, उसको एबिलिटी नहीं कहेंगे, वो मानने का आधार है, क्योंकि अपने को शरीर माने रहता है। तो शरीर चलाने के अर्थ में जो भी आवश्यकता उसकी प्रकृति के साथ है उसको पहचानता है और निर्वाह कर। मानव को देखें तो मानव के अंदर सिर्फ मानना तक बात नहीं है, उसके अंदर जानने की क्षमता है। जान के वो अपने मानने को डेफिनेट कर सकता है, उस आधार पे उसका पहचानना और निर्वाह करना, है तो मानव, इसीलिए जो पहले लेक्चर में ही बात हुई थी ना, जीव चेतना से मानव चेतना में ट्रांसफॉर्मेशन, तो ये बात इसीलिए रखी गई थी प्रस्ताव के रूप में कि अगर मानव सिर्फ मानना के आधार पे चल रहा है और जानने का कार्यक्रम उसका पूरा नहीं हो पाया है, तो इस मानने के आधार पे ही वो पहचानना और निर्वाह करना, और वो उसके लिए कंप्लीट नहीं पड़ता है। इसीलिए मानव को ज्ञान अवस्था की इकाई कह रहे हैं, क्यों, क्योंकि ज्ञान मानव के लिए उपलब्ध और कंपलसरी है। ज्ञान के आधार पे मानव चीजों को जान सकता है, और जानने के आधार पे उसका मानना डेफिनेट हो। तो फॉर एग्जाम्पल जैसे ह्यूमन बीइंग है ना, अगर मानव को ये स्पष्टता है भाई, अगर मानव को मानने के आधार पे आदमी को पहचानेगा तो उसके कपड़े पहनने की स्टाइल से उसके बारे में बहुत सारा मूल्यांकन कर लेगा और प्रोग्राम बना लेगा, उसके चलने की स्टाइल पे, उसके बोलने की स्टाइल पे, है ना, उसके कपड़े पहनने की स्टाइल पे, किसी भी चीज पे वो अगर अपना कॉन्क्लूजन आदमी के बारे में निकालेगा तो उसका पहचानना निर्वाह करना वैरी है। लेकिन अगर मानव को इस बात की स्पष्टता है कि हर मानव मैं और शरीर का सहअस्तित्व है, और हर मानव के मैं में निरंतर सुखपूर्वक जीने की चाहना बनी हुई है, और हर मानव के अंदर सह स्वीकृति का पोटेंशियल है जिससे कि वो अपने निरंतर सुखपूर्वक जीने की चाहना को पूरा कर सकता है, तो फिर आदमी कंफ्यूज नहीं होगा, फिर उसका मानना डेफिनेट हो जाएगा हर मानव के बारे में, फिर उसे पता है कि अब मुझे संबंध पूर्वक ही दूसरे मानव के साथ जीना है और शेष प्रकृति के साथ समृद्धि पूर्वक ही जीना, तो उसका पहचानना और निर्वाह करना डेफिनेट हो जाता है। अब मानव के अंदर जो ये जानने की क्षमता है, इसी क्षमता को एक्सप्लोर करके मानव अपने जानने को पूरा कर सकता है ना, और इसको पूरा करके बाकी सारी इकाइयों के साथ कॉम्प्लीमेंट हो सकता है ना। तो मानना की क्रिया से ही स्वयं की विद्यमानता का संकेत करता है, तो इससे ये लगता है, इसीलिए मानव को कॉन्सियस इकाई कहते हैं, क्योंकि कॉन्सियस इकाई का इतना ही मतलब कि मानव के अंदर मानने की क्रिया है ना। बाकी तीनों अवस्थाओं को समझने के लिए मानव में सही समझ की आवश्यकता है, अन्यथा दूसरी अवस्थाओं का अधिमूल्यन, अवमूल्यन अथवा अन्यथा मूल्यांकन होता रहे। तो मानव के अंदर ही इस बात की पोटेंशियल है कि वो पूरे अस्तित्व को समझ सकता है और दूसरी इकाई जैसी है वैसा देख सकता है। अगर हम वैसा नहीं देख पाते हैं तो या तो हम उसको अधिमूल्यन कर देंगे, या उसका अवमूल्यन कर देंगे, या उसका अन्यथा मूल्यांकन कर। उस अर्थ में जब भी हम पहचान निर्वाह करने जाएंगे तो हमारे लिए समस्या,
मानव के लिए बहुत आवश्यक। तो मानव के अंदर जानने का पोटेंशियल है, इसीलिए उसको ज्ञान अवस्था की इकाई कह रहे हैं। और ये ज्ञान मानव के लिए कंपलसरी है, बिना ज्ञान के मानव का जो मानना है वो निश्चित नहीं होता, फिर वो मान्यता के आधार पे ही काम करता है। और मान्यताओं की प्रॉब्लम ये है कि वो डेफिनेट नहीं, इनडेफिनेट। तो एक समय आपका व्यवहार उसी व्यक्ति के लिए एक तरह का रहेगा, एक समय बदल जाए। लेकिन अगर आपको स्पष्टता है मानव की, तो उस व्यक्ति के साथ आपको भी पता है कि उसके भी सेल्फ में नेचुरली वो भी एक्सेप्टेबल, मतलब नेचुरली वो भी चाहता है संबंध पूर्वक जीना, है ना, व्यवस्था पूर्वक जीना, ये मानव की ने चाहना है। तो इस आधार पे मानव ठीक से जी सकता है। तो अगर यहां तक किसी का कोई प्रश्न है, अभी एक दो प्रश्न ले लेते हैं। दिनेश कश्यप जी, नमस्ते भैया। दिनेश कश्यप जी, राजेश जी, जी जी दिनेश जी बताइए। महर्षि माथुर जी, जी नमस्ते भैया। नमस्ते भैया। भैया जैसे जानने और मानने में, मतलब जैसे जानने का क्या फिक्स पैरामीटर हो, कुछ ऐसा है क्या? जैसे आजकल क्या होता है कि व्हाट्सएप पे कोई फेक न्यूज या फेक न्यूज का फॉरवर्ड पढ़ लेते हैं और हम समझते हैं कि हमने जान लिया, लेकिन एक्चुअल वो भी मानना ही होता है एक तरीके से। तो जानने के मतलब क्या और पैरामीटर है कि जिसको जो हो जाए तय हो जाए तो माने कि हाँ हम ये जान लिया है? जी भैया, तो जानने का मतलब है जो इस अस्तित्व की एग्जिस्टेंशियल रियलिटी है, यानी जो वास्तविकताएं हैं उनके बारे में जानने की बात हम कर रहे हैं। तो जैसे व्हाट्सएप पे कोई मैसेज आया है तो वो एक सूचना मात्र है ना, वो सही है या गलत है वो एक वेरिफिकेशन है, लेकिन वो जानना नहीं। जानने का मतलब तो जैसे मानव के लिए संबंध में भाव का जानना जरूर। अब ये जो भाव है ये डेफिनेट है, तो भाव हमारे जानने की बात है। तो जैसे विश्वास का भाव है, तो विश्वास के भाव का मतलब है कि हमको ये दिख जाए कि हर दूसरा मानव सुखी रहना चाहता है और सुखी करना चाहता है। अगर हमको ये दिख जाए तो ये जानना हुआ। अब इससे क्या होगा कि हम अपने में हमेशा कंफर्टेबल बने रहेंगे, तो उसके बाहरी किसी भी एक्शन से हम प्रभावित नहीं होंगे। तो जैसे मानव के बारे में जानना है ना, तो मानव क्या है? अभी मानव के बारे में जानने का मतलब हम उसके जगह से, स्थान से, उसके बोलने के तरीके से, इसी से तो अंदाजा लगाते हैं कि वो मानव कैसा है, या उसके व्यवहार से। लेकिन ये जितने भी पैरामीटर हैं, क्या ये निश्चित हैं? नहीं भैया, निश्चित तो नहीं है, है ना। ये जितने भी पैरामीटर हैं, भाई व्यवहार के आधार पर अगर आप किसी मानव का मूल्यांकन कर रहे हैं तो क्या उसका व्यवहार हमेशा निश्चित रहेगा? नहीं भैया, है ना। तो हमारा आधार क्या होना चाहिए, है ना? तो वो आधार है बेसिकली जानना, है ना? तो जो एग्जिस्टेंशियल रियलिटी है उसको हम जानना चाहिए, है ना? ठीक भैया, बढ़िया, धन्यवाद भैया। जी दिनेश जी बताइए। ये आपका माइक ऑन है, आवाज नहीं आ रही। दीप्ति जी, दीप्ति ठाकुर जी, जी जी, नमस्कार। मैं दीप्ति ठाकुर जौनपुर से, और निश्चित तौर पे ये सिर्फ इतना सा नहीं है कि हम समझ लें, ये टॉपिक ऐसा है कि इसको जब हम तक अपन सही समझ के आधार पे जब तक लागू नहीं करेंगे, तो जैसा कि अभी चर्चा चल रही है कि कई बार वो पैरामीटर हम निश्चित नहीं कर पाते हैं कि हम किस चीज को माने। तो वही चीज है कि जब हम जान नहीं पा रहे हैं इसलिए शायद हम मानने में कमजोर हैं, असहज हैं। तो मेरा एक प्रश्न यहाँ पे भी ये उठता है कि जब हम इस साइकिल की बात कर रहे हैं कि हर चीज का एक सामंजस्य जरूरी है इस पृथ्वी पे, तो जैसे मान लीजिए साउथ में अगर कोई बात होती है या वेस्टर्न इंडिया में कोई बात होती है, वहाँ पे नॉनवेज खाना जरूरी है, ठीक है। तो वहां पे आखिर एक वो तो हम कर रहे हैं कि जीव का हनन कर रहे हैं एक प्रकार से, तो क्या ये वहां तक सही है कि हम उस साइकिल में हमारी सही समझ है क्या? क्योंकि वो तो हमारी आवश्यकता है वहां पर, और उस आवश्यकता के आधार पे हम उस चीज का चयन कर रहे हैं। मतलब हमने जाना है कि हाँ हमको जरूरी है वहां पर नॉनवेज खाना,
और अगर हम कहीं और की बात करते हैं, मैं अपने परिवार की बात करूं कि हम लोग वेजिटेरियन हैं, हम लोग कुछ भी नहीं लेते हैं, लेकिन अगर बोला जाए कि नहीं आपके स्वास्थ्य के लिए एग बहुत जरूरी है, तो क्या उस साइकिल में हम लोग एक विरोधी का काम कर रहे हैं क्या? ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जी। और मैं सिर्फ इतना ही इसमें कहूंगा कि जो खाने की बात है, तो अगर हम मतलब मेरा तो इतना ही कहना है कि अगर हम जो है किसी जीव को मार के खा रहे हैं, पहले हमको तय करना पड़ेगा कि वो हम किस लिए खा रहे हैं, या वो हमारी रियली आवश्यकता है, या क्योंकि देखिए जो जीव चेतना में जानवर है, तो जैसे आप जानवरों को देखेंगे, जो भी जानवर ऐसे हैं जो जानवर को मार के खाते हैं, तो आप देखेंगे वो उनके पोषण का एक तरीका है, यानी वो नेचुरल बना हुआ है, प्रकृति नेचुरल बना है जी भी। लेकिन क्या मानव नेचुरली ले रहा है? हम स्वाद के लिए ले रहे हैं या वाकई में शरीर को पोषण करने के लिए ले रहे हैं? महत्वपूर्ण प्रश्न ये है, और ये तो व्यक्ति अपने स्तर पे तय कर सकता है कि जानवर को आप देखेंगे तो वो कच्चे ही मार के खाता है, उसका स्वाद से कोई मतलब नहीं है, लेकिन हम चूंकि उसको हमारे जो मानव यूज करते हैं वो ले आते हैं, उसको पकाते हैं, बहुत सारा वो करते हैं, है ना, उसमें तो देखना पड़ेगा कि मानव के लिए वो आवश्यकता है या उसको किसी और पर्पज के लिए वो यूज कर, है ना। तो इतना तय अगर करेंगे तो फिर हमको समझ में आ सकता है कि नॉनवेज की कितनी इम्पोर्टेंस है। तो जैसे आपने एग की बात कही, है ना, तो देखिए डॉक्टर रिकमेंड कर रहे हैं एग खाने के लिए, बात उनकी ठीक है, लेकिन हम अपने लेवल पे एक्सप्लोर कर सकते हैं कि एग का सब्स्टिट्यूट वेजिटेरियन में क्या है, और क्या एग खाना आवश्यक भी है कि नहीं, तो ये सब देखिए एक्सप्लोरेशन का मुद्दा है, और ये पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा, लेकिन समझ तो आ जाती है। तो मुख्य बात ये है कि जैसे जीव अवस्था में भी मैं है और मानव में भी मैं है, तो एक मैं दूसरे मैं को तब हर्ट करके खाने में थोड़ा सा तो एक समस्या है, तो हमारी तरफ से तो ये है, लेकिन ये तय करना तो व्यक्ति की जिम्मेदारी है, आवश्यकता है या वो किसी और पर्पज के लिए खा रहा है, दूसरों के प्रभाव में खा रहा है ना, ये भी हो सकता है, तो ये सब हमको तय करना। मतलब संवेदनाओं के आधार पे अगर उसकी स्वीकृति है तो उसको हम सह स्वीकृति नहीं मान सकते। मुझे कोई भी चीज सह स्वीकृति का मतलब जिसमें कोई एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस ना हो, बिल्कुल से स्वीकार हो और हर व्यक्ति उसको स्वीकार करे, तो सह स्वीकृति का ये मतलब। कोई भी प्रश्न सह स्वीकृति से रिलेटेड है, तो जैसे शरीर का आप पोषण करना चाहती है, शरीर को डैमेज करना चाहती है, अब ये हर व्यक्ति के लिए इस प्रश्न का क्या उत्तर आएगा अगर हम, तो सह स्वीकृति का ये मतलब है जो हर मानव को सहज रूप से स्वीकार, तो अगर ऐसा है उसको देख लें हम लोग, नहीं तो ये प्रश्न उठता नहीं। इसके लिए सेल्फ एक्सप्लेनेशन की ही जरूरत है। जी लेवल पे तय करने की बात है, जी लोग हैं तो ठीक है, उनसे बातचीत की जाए, कम्युनिकेशन हो, उनके साथ पक्ष को रखा जाए, इतनी बात हो सकती है, बाकी देखिए तय तो वही करेंगे, क्योंकि इसमें बहुत कुछ तो अपना तय करना है। नहीं, क्योंकि मतलब मैं अपना एक बताऊं छोटा सा एक्सपीरियंस, कि मैंने एक बाहर जा रहे थे तो ट्रक में बहुत सारी मुर्गियों को मैंने देखा, मतलब पूरा ट्रक भरा हुआ था और मेरी कार पीछे चल रही थी, और मतलब आप बिलीव नहीं करेंगे कि पता नहीं क्यों कुछ क्षण के लिए मुझे इतना खराब लगा, और मैं बस वो देखे जा रही थी कि मतलब कैसे ये इतने सारे, फिर पता नहीं क्यों बहुत सारा एक क्वेश्चनिंग चली कि हो सकता है भाई जो बेचने वाला है उसका तो परिवार इसी चीज से पल रहा है, उनका तो यही मतलब है, काम है, इसके कारण उनका परिवार है, तो फिर ये फिर उनके तरफ देखा कि बताओ इनका तो कुछ है ही नहीं, अभी तो मतलब कटने ही जा रहे हैं इतने, मतलब बहुत खराब लगा मुझे, और आज इत्तेफाक से ये विषय पे चर्चा हुई थी, मैंने कहा पूछूं आपसे। नहीं जी, बिल्कुल ठीक बात है, और हमको अच्छा इसलिए नहीं लगता है क्योंकि हम दुखी तभी होते हैं जब कुछ ऐसा होता है जो ठीक नहीं होता है, लेकिन ठीक है, वो अभी इस पे हम लोग जी हम लोग प्रस्ताव के रूप में ही रख सकते हैं, बाकी व्यक्ति को खुद पहचानना है, जानना है, अगर दिक्कत है तो उसमें हम सहयोग करते हैं। ठीक भैया, थैंक यू, बहुत अच्छा प्रश्न था आपका। ठीक है, आप थोड़ा कंटेंट को आगे बढ़ाते हैं, तो मानव के लिए जानना आवश्यक है और जानने की क्षमता भी उसमें, और जानने से उसका मानना डेफिनेट होगा, तो मानने का इतना ही मतलब है कि
दूसरे दूसरे जो प्रकृति की अवस्थाएं हैं उनके बारे में अगर हमको स्पष्टता हो जाए, है ना, तो उस स्पष्टता के साथ हम उनके साथ संबंध पूर्वक परस्पर पूरकता का कार्यक्रम बना सकते हैं, है ना। दिल साहब भी उस क्वेश्चन पे आप कुछ इनपुट देना चाहेंगे जो अभी दीदी का प्रश्न था? भैया मुझे लगता है चर्चा को आगे बढ़ा लें, फिर हम लोग ब्रेक के टाइम इस पर बात कर लेंगे। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो मानव के लिए समझना आवश्यक है और वो समझने की क्षमता हर मानव में है। अभी समझ की कमी के कारण जो समस्याएं हैं अधिकांशतः, तो इसको इसके बारे में बहुत बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम सब रेगुलरली इन बातों के साथ भी चल ही रहा है हमारा जीवन। तो सबसे बड़ी जो समस्या है वो संसाधन का अभाव, और संसाधन का अभाव इसी वजह से हो रहा है कि उस संसाधन के बनने में जितना समय लग रहा है उससे ज्यादा गति से हम उसको उपयोग कर रहे हैं। तो एक तरह से जो कंजम्पशन की हमारी स्पीड है वो उसके बनने से ज्यादा है, इसीलिए वो संसाधन एक समय के बाद डेफिशिएंट हो जाता है ना। तो संसाधन तो काफी है लेकिन हम जो प्रयोग कर रहे हैं उस प्रयोग की वजह से वो कम हो रहा है। तो बहुत सारे प्राकृतिक संसाधन हैं जो अब डेफिशिएंट हो गए हैं, या तो कम हो गए हैं या लगभग समाप्त हो गए। दूसरी समस्या है प्रदूषण की। ये तो दो मेजर समस्याएं हैं और भी बहुत सारी समस्याएं इस कारण से हो रही हैं। तो जो प्रदूषण की समस्या यही है कि जो साइक्लिक चक्र है उस पर्टिकुलर एलिमेंट का, वो चक्र डिस्टर्ब हो गया है ना। उसकी उत्पादन की जो गति है वो इतनी ज्यादा हो गई है, तो जितना उस एटमॉस्फेयर में वो एडजस्ट हो सकता है उससे ज्यादा वो उत्पादन हो रहा है, तो वो हो नहीं रहा है। तो चक्र में उसकी जो साइकिल है वो ठीक से बन नहीं पा रही। तो इसकी वजह से क्या है, जो प्रकृति में डिफरेंट गैसेस हैं उनके बीच एक वेरिएशन आ गई और उनकी वजह से जो गैसों का एक साइक्लिक चक्र है वो डिस्टर्ब हो गया, उसकी वजह से ये प्रदूषण की समस्या हुई। तो अगर वर्तमान समस्याएं आप देखेंगे ना, तो ये सब समझ में कमी के कारण है ना, क्योंकि संसाधन का अभाव भी इसी कारण से हो रहा है कि उस संसाधन का सदुपयोग क्या है, है ना। हम अपने जीने में यानी उन संसाधनों की किस लेवल की आवश्यकता हमको है और हम उसको किस लेवल तक उपयोग कर रहे हैं, है ना। तो ये दो समस्याएं समझ में आती हैं और ऐसी बहुत सारी समस्याएं हैं, ग्लोबल वार्मिंग की है और भी बहुत सारी चीजें हैं जो प्रॉब्लमेटिक है। तो प्रॉब्लम्स का भी रहता है तो अगर आप सोचेंगे तो ऐसी बहुत सारी समस्याएं हैं जो हमको ये नहीं क्लियर है कि हमारी आवश्यकता कितनी, क्योंकि संसाधन का भाव तो इसी कारण से हो रहा है कि हमारी आवश्यकता कितनी है इस काम को पता नहीं है। तो जब आवश्यकता का पता नहीं है तो उस अर्थ में उस आवश्यकता की पूर्ति हमको कैसे करनी है, कितना हमको सामान चाहिए, इसकी भी क्लैरिटी नहीं होती है। और ये कम्युलेटिव इफेक्ट है, तो एक चूक के साथ ये सब क्रिएट हो जाता है। तो ये जुड़ी हुई है सारी चीज, इस प्रकृति की यही तो ब्यूटी है कि सब जुड़े हुए हैं एक साथ। कहीं एक प्रॉब्लम क्रिएट होगी तो उसका प्रभाव हम सब पे पड़ेगा, है ना। तो इसके बारे में सोचने की बात है कि क्या वर्तमान समस्याएं समझ की कमी के कारण ही हैं या कुछ और भी है, है ना। तो आप लोग इसमें चैट पे रिस्पॉन्स कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर प्रकृति की व्यवस्था को देखेंगे ना, तो पूरे प्रकृति में सबसे ज्यादा क्वांटिटी किसकी ना, अगर देखेंगे आप तो पूरे प्रकृति में सबसे ज्यादा मटेरियल ऑर्डर है, ऐसा है या नहीं। पूरे प्रकृति को देखें और ये जो डायग्राम बना हुआ है, क्या ये डायग्राम ठीक है, आप सब चैट में रिस्पॉन्स कर सकते हैं। तो पूरे प्रकृति में देखेंगे तो सबसे ज्यादा पदार्थ अवस्था की, उसके बाद प्राण अवस्था की, उसके बाद जीवावस्था की इकाई है और सबसे कम ज्ञान अवस्था की, है ना। तो अगर आप देखेंगे तो सबसे कम संख्या किसकी है, ज्ञान अवस्था। अब चूंकि ज्ञान अवस्था के लिए ज्ञान एक आवश्यक कंपोनेंट है, उस ज्ञान के अभाव में ये जो सबसे कम क्वांटिटी है, क्योंकि पूरे एग्जिस्टेंस में अगर आप देखेंगे तो मानव की जो संख्या है वो 0.00 समथिंग होगी, है ना, अगर आप देखेंगे तो।
लेकिन क्योंकि ज्ञान है, क्योंकि इस अस्तित्व में मानव चॉइस के साथ है ना, मानव जो है अपनी चॉइस के साथ है, वो सुखी भी हो सकता है, दुखी भी हो सकता है, वो डैमेज भी कर सकता है, चीजों को मैनेज भी कर सकता है। जैसे खेत में एक जानवर जा रहा है, उसने सब चरा, पौधों को उखाड़ा फेंका, वो दोबारा नहीं लगा सकता है, आदमी उन पौधों को दोबारा लगा सकता है। तो मानव को आप देखेंगे तो वो चॉइस के साथ, लेकिन अगर यही मानव सही चॉइस को एक्सप्लोर नहीं कर पाता है तो पूरे एग्जिस्टेंस के लिए प्रॉब्लम क्रिएट। इसीलिए मानव के लिए जो समझ है वो प्राइमरी है, और ऐसा नहीं है कि बाकी तीन अवस्थाओं के एग्जिस्टेंस के लिए ही मानव का समझदार होना जरूरी है। मानव के खुद के एग्जिस्टेंस के लिए मानव का समझदार होना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि मानव की निर्भरता बाकी सभी अवस्थाओं ना, तो ये जो मानव है सभी अवस्थाओं पे निर्भर है ना। तो अभी चैट में मैं एक रिस्पांस देख रहा हूँ, ज्ञान है लेकिन उसका सही उपयोग करना भी जरूरी है। तो ज्ञान हम इसी बात को कह रहे हैं, जो सही समझ है वही ज्ञान है। क्योंकि ज्ञान शब्द का मतलब इतना ही है कि आप के अंदर एग्जिस्टेंशियल रियलिटी की स्पष्टता है, और उस अर्थ में आपका मानना पहचानना और निर्वाह करना निश्चित है ना। तो अगर वो निश्चित है तभी उसका सही उपयोग, अगर ज्ञान का उपयोग सही हम नहीं कर पा रहे हैं तो वो ज्ञान नहीं, फिर उसको अज्ञान कहते हैं ना। अगर आप देखेंगे तो प्रत्येक अवस्था में जो इकाइयों की संख्या है, तो सबसे ज्यादा पदार्थ अवस्था की इकाई, उसके बाद प्राण अवस्था है, उसके बाद जीव अवस्था है, और तब ज्ञान अवस्था है। और ये इवोल्यूशन है, ज्ञान अवस्था सबसे ज्यादा इवोल्यूटेड इकाई है, सबसे ज्यादा जिसको हम कह रहे हैं विकसित इकाई है, डेवलप्ड इकाई। क्यों इकाई है? क्योंकि उसके पीछे की जो इकाइयां हैं इन्हीं से इसका डेवलपमेंट हुआ है ना। तो पदार्थ अवस्था पे सारी प्राण अवस्था निर्भर है, पदार्थ और प्राण अवस्था पे सारी जीव अवस्था निर्भर है, पदार्थ प्राण और जीव अवस्था पे सारा ज्ञान अवस्था निर्भर है। तो ज्ञान अवस्था शेष तीनों अवस्थाओं पे निर्भर है। इसीलिए मानव के लिए समझना बहुत जरूरी है कि हमारा एग्जिस्टेंस तभी इस अस्तित्व पे बना रह सकता है जब इन तीनों इकाइयों की जो निश्चितता है वो बनी रहे, इन तीनों इकाइयों की, इन तीनों अवस्थाओं की जो व्यवस्था है वो बनी रहे, जो निश्चितता है वो बनी रहे। क्योंकि अगर ये तीनों अवस्थाओं की निश्चितता में कोई भी समस्या आती है, व्यवस्था में कोई समस्या आती है, तो हम प्रभावित हो जाते हैं। और ऐसे बहुत एग्जाम्पल हैं, उनके बारे में बहुत बात करने की आवश्यकता नहीं, आप सभी को इस बारे में पता होगा है ना। तो मानव की जो निर्भरता है वो इन तीनों अवस्थाओं, तो पूरी शेष प्रकृति पे मानव निर्भर है। इसीलिए मानव के लिए ये कंपल्सरी है कि वो इन अवस्थाओं की जो व्यवस्था है उसको समझे, उसको समझ के जो भी संबंध है उसको ठीक ठीक पहचाने इन अवस्थाओं के साथ, और उसका ठीक ठीक निर्वाह करे कॉम्प्लीमेंट्री के अर्थ में, पूरकता के अर्थ में। तो यही मानव के लिए आवश्यक है कि जो भी इन तीनों अवस्थाओं की इननेटनेस है, उस इननेटनेस को बनाए रखने में मानव पूरक बने, उसको डैमेज नहीं करे, ये मानव के लिए आवश्यक। तो इस पे आप लोग सोच सकते हैं है ना, देख सकते हैं इसको। तो अगर प्रकृति की व्यवस्था को ठीक ठीक देखने जाएंगे ना, तो सभी अवस्थाओं का आचरण निश्चित है ना। तो अगर आप देखेंगे तो जो पदार्थ अवस्था है इसका आचरण आपको निश्चित मिलेगा, इसीलिए आप कमरे में बैठ पाते हैं क्योंकि आपको पता है छत गिरेगी नहीं, दीवारें गिर नहीं पड़ेंगी। आप लैपटॉप पे काम कर रहे हैं क्योंकि आपको पता है कि लैपटॉप से हाथ निकल के हमारे काल पे कुछ लगाएगा नहीं, हमारे लिए कोई डिस्टर्बेंस क्रिएट नहीं करेगा, है ना। ये सब क्यों है? क्योंकि इसका आचरण निश्चित। सेम आप किसी पेड़ के बगल से गुजरते हैं तो आपको पता है कि कहीं कोई बहुत समस्या नहीं है, दूर से देख के अंदाज लगा लेते हैं बहुत कमजोर पेड़ तो नहीं है, गिर सकता है। तो जो जीव अवस्था है, आपका प्राण अवस्था है, ये भी निश्चित है आचरण में। जीव अवस्था है, कोई भी जानवर है, बहुत सारा रिसर्च हुआ है ना, तो हर जानवर की मैक्सिमम लिमिटेशन आपको पता है, वो कितना डैमेज कर सकता है, क्या कर सकता है, उससे अपने को सुरक्षित करने के क्या तरीके हैं, ये सब हमको पता है। लेकिन अभी ये जो मानव है ना, इसके आचरण पे बहुत बड़ा प्रश्न। उसमें समस्या क्या है कि मानव में भी शरीर का आचरण निश्चित है, क्योंकि शरीर जो है वो
प्राण अवस्था और पदार्थ अवस्था के कॉम्बिनेशन से। तो देखेंगे आप तो शरीर प्राण अवस्था की इकाई है, इसीलिए शरीर का आचरण भी निश्चित है। ये तो जब हमको शरीर मिलता है तो हम शरीर को फिर जब चलाना शुरू करते हैं तब चीजें समस्याएं क्रिएट होती। तो मानव में भी शरीर का आचरण निश्चित है, स्वयं का आचरण निश्चित करना है। तो स्वयं में जो अनिश्चितता है, समस्या है, वो प्रॉब्लम क्या है? क्योंकि हमने बिना जाने मान लिया है, यानी उसको वेरीफाई नहीं किया है सेल्फ एक्सप्लोरेशन के मेथड। तो मान्यता के आधार पे हमने उसको मान लिया है ना, तो मान्यता के आधार पे मानने से वो पूरा नहीं कर रहा है और हमेशा एक अनिश्चितता बनी रह रही है, और सिर्फ हमारे लिए नहीं, पूरे प्रकृति के लिए अनिश्चितता बनी है। तो इसका विकल्प क्या है? क्योंकि ये तो समस्या है, इस समस्या का समाधान क्या है? जानना को सुनिश्चित करना समाधान। और जानने का मतलब ये चारों लेवल की जो हार्मनी है ना, इसको समझना है ना। तो स्वयं के स्तर पे मानव के जीने का क्या स्वरूप होना चाहिए, परिवार के स्तर पे मानव के जीने का क्या स्वरूप होना चाहिए, समाज के स्तर पे मानव के जीने का क्या स्वरूप होना चाहिए ना, और प्रकृति अस्तित्व के स्तर पे मानव के जीने का क्या स्वरूप होना चाहिए। इन सभी स्तरों पे जो मानव के जीने का स्वरूप है, जिसको हम व्यवस्था कह रहे हैं, उस व्यवस्था को समझना हर मानव के लिए कंपलसरी है। बताइए कंपलसरी है या टेम्परेरी? बताइए। ये जो जानना को सुनिश्चित करना, ये कंपलसरी है या टेम्परेरी है? सी और टी चैट में आप रिस्पॉन्स कर सकते हैं। जी है ना, तो इसीलिए मानव के लिए ना जो ज्ञान है वो कंपलसरी है। और सबसे बड़ी बात है कि इस ज्ञान के लिए हमको कहीं जाना नहीं। देखिए कितनी सुंदर बात है कि मनुष्य के पास स्वाभाविक रूप से जानने की सहज स्वीकृति होती ही है हमारे अंदर सहज। तो जैसे मैम ने शेयर किया कि बहुत सारी मुर्गियां थी और उनको देख के उनको दुख हुआ। क्यों? हमको क्यों दुख हुआ? क्यों? क्योंकि हम चाहते ही ऐसा है कि सब अच्छा हो। तो अच्छा लगना, अच्छा का मतलब सुखी रहना, संबंध पूर्वक जीना, ये सब हम में बना ही हुआ है नेचुरली। बस उसको एक्सप्लोर करने की जरूरत है, उसको जानने की जरूरत है। तो मनुष्य के पास स्वाभाविक रूप से जानने की सहज स्वीकृति है, जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं एक्सप्लोरेशन की, और यही सबसे प्राइमरी मुद्दा है। व्यवस्था और सद्भाव में होना मानव की इनेट चाहना है। हर स्थिति परिस्थिति में मानव व्यवस्था को ही चाहता है। समझ के अभाव में वो अव्यवस्था से व्यवस्था को हैंडल करने का प्रयास करता है, लेकिन उसमें भी उसकी मूलभूत चाहना यही है कि व्यवस्था स्थापित हो। अब वो ज्ञान के अभाव में गड़बड़ हो रही है क्योंकि कार्यक्रम सही नहीं मिल रहा है ना। लेकिन करना तो हम सही ही चाहते हैं, है ना, लेकिन मान्यता हमारी काम कर जाती है तो वो सही की जगह गलत हो जाता है। तो ये जो मान्यता है, इस मान्यता को इवेल्युएट करना, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट काम है ना। तो इसके लिए ये जो शिक्षा संस्कार है, इसका बहुत प्राइमरी रोल। तो शिक्षा संस्कार के माध्यम से आप, मानवीय शिक्षा संस्कार के माध्यम से आप अपनी सहज स्वीकृति के आधार पे को एक्सप्लोर कर सकते हैं, इस व्यवस्था को समझ सकते हैं, और व्यवस्था को समझ के व्यवस्थागत तरीके से जी सकते हैं, जो कि मानव की मूलभूत चाहना है ना। तो इसीलिए ये पूरी जो बात है वो शिक्षा संस्कार के माध्यम से ही हो सकती है, क्योंकि इससे बहुत तेजी से होगी, इंडिविजुअल के लेवल पे बहुत एफर्ट, लेकिन शिक्षा संस्कार के माध्यम से ये काम बहुत ही सरल रूप से हो सकता है। ठीक है, तो ये प्रकृति की व्यवस्था थी। तो अगर अभी तक, तो आज का गृह कार्य क्या है आपके लिए? प्रकृति के साथ परस्पर पूरकता को सुनिश्चित करने के लिए किन्हीं 5 कार्यक्रमों का उल्लेख करें, और इन तीनों पर्सपेक्टिव में, एक व्यक्ति के रूप में, एक संगठन के रूप में, समाज के एक भाग के रूप, इसके अतिरिक्त आप 2005 की डॉक्यूमेंट्री देखना पसंद कर सकते हैं, एन इनकन्वीनियंट ट्रुथ। तो आप इस 2005 की डॉक्यूमेंट्री को इंटरनेट पर डालिएगा, इंटरनेट पे, यूट्यूब पे आपको ये वीडियो मिल जाएगी। इस वीडियो से आपको प्रकृति के जो परस्पर पूरकता की बात है और मानव के मतलब ज्ञान के अभाव से जो इंटरवेंशन हुआ है, उस इंटरवेंशन की वजह से जो समस्याएं हैं, और फिर उनके निदान के इनकन्वीनियंट ट्रुथ में इसकी बात हुई है ना। तो अब मैं एक बार इसको समाप्त कर देता हूँ। तो पूरे प्रकृति को देखेंगे तो ये 4 इकाइयों का समूह है, तो यूनिट्स के फॉर्म में है, पूरे प्रकृति में एक एक इकाई है। और फिर इकाइयों के समूह को अगर देखेंगे तो 4 अवस्थाओं में इसको बांटा गया है, और इन 4 अवस्थाओं के बीच परस्पर पूरकता का संबंध है।
जिसमें से इन तीन ऑर्डर्स में आपको डेफिनेटनेस दिखेगी। तो इन तीनों ऑर्डर में परस्पर पूरकता का संबंध है। मानव के साथ क्या है कि मानव चॉइस के साथ है इस एग्जिस्टेंस, है ना, तो वो इस अस्तित्व में चॉइस के साथ है, और चॉइस उसका क्या है, ज्ञान। तो वो ज्ञान के साथ भी जी सकता है और ज्ञान के अभाव में भी जी सकता है ना। तो ज्ञान मानव के लिए कंपल्सरी है ना। तो पहली तीन अवस्थाएं एक दूसरे के साथ परस्पर पूरक है, ये मानव के लिए भी पूरक होती हैं। मानव की सभी अवस्थाओं के लिए पूरक होना सहज रूप से स्वीकृत होता है, और इसीलिए प्रकृति में कोई भी व्यक्ति है, इस पूरे अस्तित्व में कोई भी व्यक्ति है, समस्या उसके लिए समस्या ही है। अगर वो खुद भी उस समस्या में कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है तो भी वो दुखी होता है। क्यों? क्योंकि सही अगर हम नहीं कर पाते हैं तो उसका दुख हमारे में नेचुरली बना ही हुआ है। क्यों? क्योंकि बिना ज्ञान के हम अगर कुछ करते हैं और वो पूरा नहीं होता तो हमारे लिए समस्या होती है। तो मानव के लिए इस ज्ञान को एक्सप्लोर करना, सहज स्वीकृति को एक्सप्लोर करना, इस परस्पर पूरकता को एक्सप्लोर करना आवश्यक, इस व्यवस्था को समझना। तो मनुष्य की भूमिका इस परस्पर पूरकता को समझने की है। इसके लिए मनुष्य को केवल इतना ही करना है कि यह समझना है कि परस्पर पूरकता प्रकृति में अंतर्निहित है। तो हमको ये बनाना नहीं है, इस प्रकृति की इनेट डिजाइन ही ऐसी है ना कि मानव परस्पर पूरकता के साथ जी सकता है, और अगर मानव इसको समझ ले, ठीक है, और इसके अनुसार जी ले, तो ये पूरा प्रकृति अस्तित्व में जितना भी डिस्टर्बेंस ये सब सेटल हो सकता है, ठीक है, और पूरे प्रकृति में परस्पर पूरकता से जीने का प्रावधान। तो मानव ये समझ जाए कि प्रकृति में परस्पर पूरकता बनी हुई है, हमको कुछ करना नहीं है, हमको सिर्फ समझना है अपने एक्सप्लोरेशन के आधार पे, और समझ के उस आधार पे जीना है जिससे पूरे प्रकृति के साथ हम परस्पर पूरक हो पाए और अपनी इननेट डिजायर को पूरा कर। इतनी बात थी अभी तक। जी दिलसाद भैया, तो अगर किसी का प्रश्न है हम लोग ले सकते हैं। जी भैया, आपने जो पूरी चर्चा रखी प्रकृति की व्यवस्था की, तो बड़ी सार्थक चर्चा रही। और अभी अंशुमान भैया ने हैंड रेज किया, अंशुमान शर्मा भैया। सर जी, सर निश्चित तौर से बहुत बेहतर तरीके से आपने समझाया पदार्थ अवस्था, प्राण अवस्था और ये जीव अवस्था ज्ञान जो मानव का चक्र है, निश्चित तौर से इंटरेस्टिंग था। लेकिन वो बात वही है कि इंसान को ये सब तब आएगा जब बेहतर समझ आएगी, और बेहतर समझ वही शिक्षा और संस्कार पर डिपेंड है। तो मैं यही जानना चाह रहा हूँ कि शिक्षा और संस्कार ये जो मूल है ये अपन को कहाँ से मिले और कैसे मिले, इस पर थोड़ा सा प्लीज क्लियर कर दो। जी भैया, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, और इवन देखिए इस वर्कशॉप के माध्यम से हमने आप तक ये बात पहुंचाई, कुछ लोगों ने प्रयास किया और आज ये इस फॉर्मेट में आपके सामने प्रस्तुत हुआ। तो आपका ध्यान गया नहीं गया? जी निश्चित तौर से बिल्कुल नंबर अच्छा लगा, कहता रहा हूँ मैं, तभी तो हम इतना बात में कह पाया हूँ जो पूरा सार है इसका, वहां पर ही आता है शिक्षा संस्कार का, तो उसी को मैं एकदम थोड़ा क्लियर कर जानना चाहता हूँ। जी भैया, तो अगर ये विषय वस्तु शिक्षा संस्कार के माध्यम से सभी तक पहुंच जाए कि मानव के लिए जो समझने का बिंदु है वो तो व्यवस्था है प्रकृति की, और सबसे बड़ी बात है कि वो व्यवस्था प्रकृति में अंतर्निहित है, उसको लिए प्रयास नहीं करना है ना। तो जैसे मानव निरंतर सुखपूर्वक जीना चाहता है, तो आपकी बेसिक डिजायर निरंतर सुखपूर्वक जीने की है, ये आप में बनी ही हुई है। अभी अपने हर प्रोग्राम को आप देख लेना तो निरंतर सुखपूर्वक जीना ही चाहते हैं आप, इसीलिए सारा प्रोग्राम बना रहे हैं, है ना। लेकिन अगर हमको ये स्पष्टता नहीं है कि ये निरंतर सुख है क्या, और इस निरंतर सुख को पूरा करने का ठीक ठीक कार्यक्रम क्या है, तो उसके अभाव में एक तो विषय वस्तु की स्पष्टता और फिर उससे संबंधित कार्यक्रम की स्पष्टता, इन दोनों के अभाव में हम जो करने जाते हैं वो हमको पूरा नहीं पड़ता। क्या भैया ऐसा होता है? जी जी, तो मुख्य बात यही है कि शिक्षा संस्कार के माध्यम से ये बात सब तक पहुंचे, है ना, कि समझने का और ज्ञान का जो असली मतलब है वो तो यही मतलब है कि जो प्रकृति में व्यवस्था बनी हुई है इसको समझ के बाकी सभी अवस्थाओं के साथ मानव जीते हुए कॉम्प्लीमेंट हो जाए, है ना। तो शिक्षा संस्कार की भूमिका इसी अर्थ में है, और देखिए इसी के लिए प्रयास हुआ जो ये वर्कशॉप आज हम आप बैठ के कर पा रहे हैं, है ना। AICTE में इसी के लिए 70 वर्कशॉप हुई है, AKTU में इसके चार चार पांच पांच कोर्सेज चल रहे हैं, और बहुत सारी वर्कशॉप हुई, उन्हीं वर्कशॉप से हम लोग भी निकले हुए हैं,
क्योंकि मानव तो निरंतर सुखपूर्वक जीना ही चाहता है, ये तो उसका इननेटनेस है ही ना, इसके अलावा वो इससे कम पे तो रुकता नहीं है ना। तो जिसको प्रपोजल मिलता है, बात ठीक लगती है, तो व्यक्ति करेगा और क्या करेगा, यही तो करेगा है ना। तो बात यह है कि इस प्रस्ताव को सब तक पहुंचाया जाए, इसके लिए अपनी तैयारी हो। उस तैयारी में आप सबके साथ ये कंटेंट शेयर हो रहा है ना, आप सब भी एक समय इसमें तैयार होंगे, लोगों के साथ शेयर करेंगे, तो धीरे धीरे ये बात बढ़ेगी और शिक्षा संस्कार में आई आ गई है जैसे ना, शिक्षा संस्कार में रहेगी तो हर व्यक्ति तक पहुंचेगी। तो यही शिक्षा संस्कार, क्योंकि शिक्षा संस्कार हर व्यक्ति ले रहा है जी। तो आप ये कहना चाहते हैं कि ये जो अपन ये जो कार्यशाला कर रहे हैं, इसी से अपनी समझ डेवलप होगी और यही अपनी शिक्षा और संस्कार बनेगा, ये कहना चाह रहे हैं? नहीं सर, शिक्षा संस्कार का यही मतलब, जैसे AICT में ये बात हुई है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में वैल्यू बेस्ड एजुकेशन की बात हुई है, तो इसी से धीरे धीरे ये शिक्षा संस्कार में चलेगा हर लेवल के। जैसे हमारे यहाँ बीटेक कोर्सेज में चल रहा है AKTU में, मैं AKTU से ही हूँ, AKTU में ये 2011 से ही चल रहा है। तो धीरे धीरे हर यूनिवर्सिटी में जाएगा, धीरे धीरे लोग इससे अवेयर होंगे, एक्सप्लोर करेंगे, तो धीरे धीरे शिक्षा के रूप में फैलेगा। अभी हम लोगों ने 70 वर्कशॉप हुई है करीब, और आपके राज्यानंद की भी ये दूसरी तीसरी वर्कशॉप। हाँ तो मैं यही तो कह रहा हूँ, आप ये कहना चाह रहे हैं ना कि ये जो आपकी वर्कशॉप है, ये जो आपके थॉट हैं, तो ये शिक्षा में जब चले जाएंगे या चले गए, तो ये शिक्षा ही अपने को सही समझ देगी, आप यही तो कहना चाह रहे हैं? नहीं भैया, मतलब मेरा ये मतलब मैं तो प्रस्ताव रूप में ये कह रहा हूँ कि ये समझना व्यक्ति के लिए आवश्यक है। कंटेंट तो यही लगता है, जैसा मैं अपने समझ पा रहा हूँ कि परस्पर पूरकता को समझना हर व्यक्ति के लिए आवश्यक है। भैया ये कहना चाह रहे हैं हम लोग कि ये एक प्रोग्राम है, ये सही को समझने की दिशा में, शिक्षा की दिशा में हमने एक कार्यक्रम बनाया है कि जैसे ये विषय वस्तु अब हम आपसे साझा कर रहे हैं, आप विद्यार्थियों तक पहुंचाएंगे कि मानव के लिए संबंध पूर्वक जीना आवश्यक है ना। संबंध पूर्वक जीने के क्रम में भाव है, तो उन भावों को समझकर भाव के साथ जीना, जीने की अपेक्षा है, ये आप अपने विद्यार्थियों के साथ साझा कर पाएंगे। तो ये कार्यक्रम हम बना रहे हैं सही को समझने की दिशा में, शिक्षा की दिशा में, यही कहना है। हाँ यही मैं बोल रहा हूँ ना, यही तो आप कहना चाह रहे हैं जी। ठीक है जी। भैया रश्मि बोल रही हूँ अशोकनगर से। भैया जैसे कि अपन ने अभी जाना कि ज्ञान अवस्था शेष तीनों अवस्थाओं पर निर्भर है, और हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि हमारी सुविधा पूर्ति के लिए हम पदार्थ अवस्था पर निर्भर रहते हैं, और हमारे मैं की पूर्ति के लिए हमारी सह स्वीकृति को हम सही समझ से पहचान भी सकते हैं। तो जहाँ प्राण अवस्था है वो हमारे शरीर के पोषण में आवश्यक है, तो मनुष्य की तर्क बुद्धि ये कहती है कि जब पेड़ पौधों में प्राण अवस्था है और उनको हम खा सकते हैं, तो जीवों को क्यों नहीं। तो ये जो तर्क बुद्धि है उस पे थोड़ा सा ज्यादा आप प्रकाश डाल पाएंगे, क्योंकि एक तरफ तो हम ग्लोबलाइजेशन के जमाने में रह रहे हैं, हमारी हर जरूरत की पूर्ति के लिए हम विदेशों से तक सामान मंगा लेते हैं, और जब खाने की बात आती है तो हम उदाहरण ऐसे देने लगते हैं कि हम अब तो समुद्र किनारे रहते हैं, हमें तो मछली खाना पड़ेगी, तब हम अनाज और प्राकृतिक चीजें क्यों नहीं मंगा सकते दूर से। तो इस पर थोड़ा सा दीदी आपने दो प्रश्न किए हैं जी। प्रश्न आपने कहा ना प्राण अवस्था और जीव अवस्था, तो बात कर रहे हैं जिसमें मैं है, मैं का मतलब जिसमें मानने की क्रिया है और जानने की क्रिया है, उसको हम लोग कॉन्सियस एंटिटी की बात कर रहे हैं, क्योंकि पौधों में जीवन है ये रेफरेंस कहा जाता है ना। तो एक बार रेफरेंस को समझ लेते हैं, तो पेड़ पौधों में जीवन है इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनमें ग्रोथ दिखती है जी, लेकिन इनमें मानने की क्रिया नहीं होती। हम यहाँ कॉन्सियस यूनिट की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जीव अवस्था और मानव अवस्था में मानने की क्रिया होती है ना जी। तो जैसे पेड़ पौधा है, उसको कौन पानी दे रहा है इससे उसको कोई मतलब नहीं है ना, जो भी पानी देगा वो पानी और पेड़ पौधे का जो संबंध है वो फिक्स है। पानी आप दीजिए, कोई तीसरा दे, कोई चौथा दे, पानी कोई भी देगा वो पोषित ही होगा
जी जबकि जीव अवस्था के साथ ऐसा नहीं, जीव अवस्था के अंदर मानना है ना जी, और मानव के अंदर भी मानना है। तो हम तो कॉन्सियस इकाई की बात कर रहे हैं, तो उस अर्थ में जीव अवस्था और ज्ञान अवस्था में कॉन्सियसनेस है जिसको हम चेतना कह रहे हैं, लेकिन प्राण अवस्था में चेतना नहीं है, सिर्फ ग्रोथ है। जी। तो उस अर्थ में प्राण अवस्था की इकाई के साथ जो आपने खाने की बात कही, तो जैसे आप देखेंगे ना, जैसे पेड़ का फल है, अगर आप वो खाती तो वो ज्यादा जल्दी कंज्यूम भी होता है और उसका जो कंजम्पशन का प्रोसेस है वो बहुत तेज होता है, लेकिन अगर वही पेड़ का फल जमीन पे गिर जाए तो उसके डिसॉल्व होने में बहुत समय लगता है। जी। तो जैसे आप पौधे देखेंगे उसके ना, जो हम लोग साग वगैरह काटते हैं, तो अगर साग की कटाई छटाई आप करते रहे और पत्ते निकालते रहे तो बहुत तेजी से ग्रो करता है ना, अगर आप ऐसे ही छोड़ देंगे तो खराब हो जाता है सड़के। तो ये इसलिए है क्योंकि प्राण अवस्था के अंदर ग्रोथ होती है। हम यहाँ कॉन्सियस यूनिट के रेफरेंस में बात कर रहे हैं, जिसके अंदर मानने की क्रिया होती है उसको हम कह रहे हैं जीव अवस्था और ज्ञान। जी। तो ये पहला प्रश्न था दीदी। दूसरा प्रश्न आपका क्या था दीदी? कि ग्लोबलाइजेशन में रह रहे हैं और हमें पता है कि हमारे शरीर के पोषण के लिए शाकाहार जरूरी है, फिर भी तर्क बुद्धि कहती है कि जीव क्यों नहीं खा सकते जब पेड़ों को खा सकते हैं। तो तो दीदी वही है कि आपको अपनी मान्यताओं को एड्रेस करना जी 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 और उसके लिए सहज स्वीकृति को समझना पड़ेगा। हाँ जी। काम हम कर लें तो सही उत्तर हमको मिल जाएगा, बाहर के रेफरेंस की जरूरत नहीं है। इसीलिए तो इसमें हर बात प्रस्ताव के रूप में है। क्यों? जी। क्योंकि प्रस्ताव को हम आपके सामने रख रहे हैं और आपके पास भी ये पोटेंशियल है कि आप इस प्रस्ताव को की जांच परख कर सकते हैं। हाँ जी। हर मानव में इननेटली बनाई हुई। जी। दीदी दीदी कभी कभी हम लोग की 8 दिन की जो पूरी वर्कशॉप होती है ना जी, उसमें कभी मिलना होगा आपसे ना? जी भैया, मैं भी बहुत उत्सुक हूँ आप लोगों से मिलने के लिए। जी जी। तो उसी वर्कशॉप में ना फिर बहुत गहराई से हम लोग चर्चा करेंगे इन सब भी बिंदुओं पे, खूब चर्चा जी भैया। धन्यवाद।